नमस्कार, मैं शगुफ्ता खान और आप देख रहे हैं शुभ 24 न्यूज। राजस्थान न्यूज में आपका स्वागत है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने राहुल गांधी के समर्थन में खुलकर नहीं उतरने वाले नेताओं पर नाराजगी जाहिर करते हुए फटकार लगाई है। डोटासरा ने पार्टी हाईकमान के आदेशों के बाद किए जाने वाले धरने, प्रदर्शन और आंदोलन में एक्टिव नहीं रहने वाले नेताओं की पदों से छुट्टी करने तक की चेतावनी दी है। दरअसल राजधानी जयपुर सहित कई जिलों में हाल के दिनों में पार्टी के विरोध प्रदर्शन हुए, लेकिन उतनी भीड़ नहीं जुटी। मंत्री विधायकों ने भी पार्टी के कार्यक्रमों और धरने प्रदर्शन में भीड़ जुटाने और सक्रियता दिखाने में रुचि नहीं दिखाई। इसके बाद डोटासरा ने नेताओं को खुले मंच से चेतावनी दी और खूब खरी खोटी सुनाई। गोविंद सिंह डोटासरा ने राहुल गांधी के समर्थन में हो रहे पार्टी के कार्यक्रमों से दूर रहने वाले कार्यकर्ताओं नेताओं पर नाराजगी जताते हुए कहा, जिस पार्टी ने हमें पहचान पद सहित सब कुछ दिलाया, हमारे नेता राहुल गांधी को संसद से डिस्क्वालीफाई करने के बाद भी हमारे कांग्रेस के लोगों का खून नहीं खौलता है। ये सोच रखते हैं कि आधे घंटे हम धरने पर जाकर आ जाएं, औपचारिकता पूरी कर दें, तो लानत है ऐसी राजनीति पर। डोटासरा ने धरने प्रदर्शन में औपचारिकता पूरी करने के लिए आने वाले नेताओं पर भी नाराजगी जताई। डोटासरा ने कहा, जो नेता एसी में बैठे टीवी देख रहे हैं, कौन आया कौन गया, ऐसे कांग्रेसियों की हमें जरूरत नहीं है। ऐसे कांग्रेसी 6-8 महीने बाद कांग्रेसी रहेंगे ही नहीं, यह दावे से कह सकता हूं। जो कांग्रेस की लड़ाई लड़ेगा, राहुल गांधी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा, वही आने वाले चुनाव में कांग्रेस का चेहरा होगा, इसके अलावा कोई नहीं रहेगा। डोटासरा ने बड़े नेताओं पर तंज कसते हुए कहा, डोटासरा हो या खचरियावास या कोई और नेता हो, किसी को गलतफहमी है कि मेरे में आग की लपट निकल रही है तो यह निकाल दे। उसमें लपटे ही नहीं निकल रही, यह कांग्रेस है जिसकी वजह से हम भाषण दे रहे हैं और पद पर बैठे हैं। डोटासरा बोले, अगर हम लोग पार्टी के कार्यक्रम नहीं कर पाते, आंदोलन नहीं कर पाते, तो ऐसे लोग आज से छुट्टी मान लीजिए। जब तक मैं अध्यक्ष हूँ, हाईकमान का कोई भी कार्यक्रम करने का आदेश आता है उसे पूरा करना पड़ेगा। दरअसल कांग्रेस के राजधानी से लेकर जिला और ब्लॉक लेवल तक किए जाने वाले धरने प्रदर्शनों में उम्मीद के मुताबिक भीड़ नहीं जुटने का मुद्दा कई बार सामने आया है। कई नेता और विधायक पार्टी के कार्यक्रमों और आंदोलन में सक्रियता में भाग नहीं लेते, इससे जनता भी उनसे नहीं जुड़ पाती। पार्टी हाईकमान के आदेशों के बाद होने वाले धरने प्रदर्शन से लेकर आंदोलन तक में कई विधायकों और पार्टी नेता एक्टिव नहीं रहते। राजधानी में रविवार को हुए कांग्रेस के सत्याग्रह में प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा 10 बजे के आसपास पहुंच गए थे। जब प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे, तब तक सत्याग्रह में गिने चुने कार्यकर्ता ही पहुंचे थे। बड़े नेता तो देरी से आए थे, कई मंत्री और विधायक तो अध्यक्ष के आने के काफी देर बाद सत्याग्रह में आए। इस दौरान डोटासरा ने नेताओं को लेकर सार्वजनिक रूप से नाराजगी जताने के पीछे इसे ही सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है। शिक्षा राज्य मंत्री श्रीमती जाहिदा खान ने सोमवार को शिक्षा संकुल में राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के अधिकारियों की बैठक में समग्र शिक्षा के तहत संचालित विभिन्न गतिविधियों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने बैठक में अधिकारियों के साथ वर्ष 2023-24 की वार्षिक कार्य योजना एवं बजट के प्रस्तावों पर बिंदुवार चर्चा की और आवश्यक निर्देश प्रदान किए। बैठक में श्रीमती खान ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आगामी वित्तीय वर्ष में प्रदेश में समग्र शैक्षिक विकास के लक्ष्य पर फोकस करते हुए विद्यालयों के सुदृढ़ीकरण, बच्चों को गुणवत्ता शिक्षा, शिक्षक प्रशिक्षण एवं क्षमता संवर्धन कार्यक्रम से शैक्षिक गतिविधियों तथा नवाचारों आदि की प्रगति की सतत मॉनिटरिंग की जाए। इसके लिए वित्तीय वर्ष प्रारंभ से ही सभी स्तरों पर पूरी प्लानिंग के साथ समयबद्ध कार्य हो, जिससे सभी मदों में आवंटित राशि का पूर्ण सदुपयोग करते हुए विभागीय योजनाओं और गतिविधियों के उद्देश्यों को समय पर पूरा किया जा सके। बैठक में राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के आयुक्त एवं राज्य परियोजना निदेशक डॉ. मोहनलाल यादव ने वार्षिक कार्य योजना एवं विश्व बैंक के तहत स्टार्स प्रोजेक्ट की गतिविधियों पर चर्चा करते हुए अधिकारियों को टीम भावना से कार्य करने का कहा। बैठक में राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के अतिरिक्त परियोजना निदेशक डॉक्टर अनिल पालीवाल, श्री राकेश गुप्ता, अतिरिक्त निदेशक श्रीमती ममता दादिश के अलावा वित्तीय सलाहकार, उपायुक्त, उप निदेशक और अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। और अब मेड़ता रोड से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्तर पश्चिम रेलवे जोधपुर मंडल के नागौर से मेड़ता रोड होते हुए पर्वतसर रेल लाइन के विद्युतीकरण कार्य को PCEE निरीक्षण के साथ ही हरी झंडी मिल जाएगी। हाल ही में नागौर से मेड़ता रोड बाईपास तक 110 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से विद्युत इंजन चलाकर इंजन रफ्तार को हरी झंडी दे दी गई है
उत्तर पश्चिम जोधपुर मंडल में रेल दोहरीकरण के साथ साथ किए जा रहे विद्युतीकरण का एक चरण पूरा होने के साथ ही अब मेड़ता रोड, मेड़ता सिटी, मेड़ता रोड रायका बाग जंक्शन के बीच विद्युतीकरण कार्य को शीघ्र पूरा कर विद्युत ट्रेन संचालित की जाएगी। उत्तर पश्चिम रेलवे जोधपुर मंडल के मेड़ता रोड पर्वतसर रेल लाइन के विद्युतीकरण कार्य को आज उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर के PCEE राजेश मोहन द्वारा निरीक्षण कर हरी झंडी दी जाएगी। जोधपुर रेल मंडल प्रबंधक पंकज कुमार ने मेड़ता रोड पहुंचे PCEE राजेश मोहन की अगुवानी कर मेड़ता रोड स्थित रेलवे पावर प्लांट का निरीक्षण करवाया। तत्पश्चात महाप्रबंधक कार्यालय जयपुर एवं जोधपुर मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय से उच्च स्तरीय अधिकारियों के साथ मेड़ता रोड बाईपास से खेडुली, रेन, डेगाना, मकराना और पर्वतसर स्टेशनों के मध्य विद्युतीकरण कार्य निरीक्षण के लिए रवाना हुए। PCEE राजेश मोहन ने निरीक्षण के साथ ही नागौर से पर्वतसर के मध्य विद्युत ट्रेन संचालित करने की हरी झंडी दे दी गई है। इस अवसर पर महाप्रबंधक कार्यालय जयपुर एवं मंडल रेल प्रबंधक जोधपुर के उच्च अधिकारियों सहित स्थानीय एक अधिकारी भी मौजूद रहे। सांचौर शहर के सबसे व्यस्ततम दरबार चौक में एक युवक पर पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने की कोशिश की गई, लेकिन पीड़ित युवक की सजगता से उसकी जान बच गई। इस दौरान युवक ने तत्परता दिखाते हुए दोनों संदिग्धों का पीछा करके बाइक को रुकवाया, जिस पर दोनों बदमाश बाइक छोड़कर फरार हो गए। जानकारी के अनुसार केबल का कार्य करने वाला नरेंद्र सोनी दिन भर बाजार का काम करके शाम को करीब 9:30 बजे के आसपास विवेकानंद सर्किल की तरफ से दरबार चौक की तरफ जा रहा था। इस दौरान दो युवकों ने बाइक पर नरेंद्र को कुछ इशारा किया। इसके बाद दोनों युवकों ने चलती बाइक पर नरेंद्र सोनी के ऊपर बॉटल से पेट्रोल छिड़कने लगे। इससे नरेंद्र सोनी एक बार तो घबरा गया। इसके बाद दोनों बदमाशों ने जलता लाइटर नरेंद्र के ऊपर फेंक दिया। इस दौरान युवक सजगता दिखाते हुए हट गया, जिससे लाइटर उससे दूर जाकर गिरा। इसके बाद दोनों बदमाश पेट्रोल की बोतल फेंक कर फरार हो गए। इतने में पीड़ित युवक ने बाइक का पीछा किया और करीबन 100 मीटर दूर जाकर ट्रैफिक में फंसी बाइक को लात मार दी, जिससे बदमाश नीचे गिर गए। इसके बाद दोनों बदमाश मौके पर फरार हो गए। घटना के बाद पीड़ित ने पुलिस को सूचना दी, जिस पर सांचौर पुलिस का जाब्ता मौके पर पहुंचा और बिना नंबर की बाइक को जब्त किया। इस दौरान मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ कोटा हाईवे पर कार में आग लगने से होटल मालिक जिंदा जल गया। सोमवार सुबह करीब 5 बजे दूध लेने जा रहा था, मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई और आग पर काबू पाया। तब तक काफी देर हो चुकी थी। गाड़ी से कंकाल मिला, कार के आगे का हिस्सा क्षतिग्रस्त है। आशंका जताई जा रही है कि पहले किसी गाड़ी से टक्कर हुई फिर आग लगी। पुलिस जांच में जुटी है। हादसा चित्तौड़गढ़ के अछोड़ा चौराहे पर सोमवार सुबह करीब 5 बजे हुआ। कोतवाली थाना के ASI मदन लाल ने बताया कि बस्ती इलाके के सुरजना के रहने वाले मांगी लाल धाकड़ 48 पुत्र मोहन लाल धाकड़ कार ड्राइव कर दूध लेने डेयरी जा रहे थे। सुरजना और नगरी के बीच मांगीलाल का शिव शक्ति नाम का होटल है। होटल से सोमवार सुबह करीब 5 बजे वह कार से गोपाल नगर डेयरी के लिए निकले थे। गोपाल नगर की दूरी होटल से करीब 5 किलोमीटर है। सेमलपुरा मोड़ की तरफ करीब 3 किलोमीटर ही आगे जा पाए, तभी अछोड़ा चौराहे पर कार में आग लग गई। मांगीलाल धाकड़ को गाड़ी से निकलने का मौका ही नहीं मिला, मांगीलाल कार में ही जिंदा जल गए। सेमलपुरा मोड़ स्थित खामका बालाजी मंदिर में भजन संध्या चल रहा था। वहां मौजूद लोग दौड़कर कार की तरफ गए और फायर ब्रिगेड को सूचना दी। फायर ब्रिगेड ने आग बुझाई, तब तक पुलिस भी पहुंच चुकी थी। ड्राइविंग सीट पर मांगीलाल का कंकाल मिला। मांगीलाल की पहचान भी उनकी कार से ही हुई है। मौके पर दूसरी गाड़ी के टायरों के निशान भी मिले हैं। इसलिए आशंका जताई जा रही है कि किसी अन्य गाड़ी से टक्कर हुई होगी, जिससे होटल कारोबारी की कार में आग लग गई। पुलिस जांच कर रही है। किसानों को फसल बीमा राशि दिलवाने की मांग को लेकर किसान महापंचायत के प्रदेश अध्यक्ष सहित अन्य किसानों ने सत्याग्रह आंदोलन शुरू कर दिया है। किसानों ने कृषि विभाग के ज्वाइंट डायरेक्टर कार्यालय परिसर में सत्याग्रह आंदोलन शुरू कर दिया है। इसके तहत सोमवार शाम से किसान महापंचायत के प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर चौधरी सहित अन्य 5 किसान सत्याग्रह धरने पर बैठ गए हैं। पदाधिकारियों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि किसानों को फसल मुआवजा नहीं मिलता तब तक उनका यह सत्याग्रह धरना जारी रहेगा। किसानों की प्राकृतिक आपदा में फसल खराब होने पर सरकार की ओर से PM जगदीश फसल बीमा योजना के तहत फसल खराब योजना का लाभ मिलता है। इसके तहत हजारों किसानों ने अपनी फसल का ऑनलाइन या ऑफलाइन फसलों का बीमा करवाया था, लेकिन किसान महापंचायत के प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर चौधरी ने बताया कि सैकड़ों किसानों की फसल खराबे की रिपोर्ट कृषि विभाग और संबंधित बैंकों को दी, लेकिन अधिकारियों ने उसे आगे फॉरवर्ड नहीं किया। इसके चलते सैकड़ों किसानों को अभी तक भी मुआवजा नहीं मिला है।
इससे किसानों के सामने आर्थिक संकट आ गया है। इस समस्या को लेकर ज्वाइंट डायरेक्टर के मंगल और अन्य अधिकारियों को अवगत कराया, लेकिन कई किसानों को खरीफ की फसल का मुआवजा नहीं मिला है, जबकि कई किसानों को मिल चुका है। इस शिकायत को लेकर सोमवार दोपहर बाद कृषि विभाग के ज्वाइंट डायरेक्टर कार्यालय पहुंचे और अधिकारियों से इसकी शिकायत की, लेकिन काफी देर तक भी कोई जवाब नहीं मिला तो कार्यालय के बाहर सीढ़ियों पर धरने पर बैठ गए। कृषि विभाग के ज्वाइंट डायरेक्टर के मंगल ने बताया कि फसल बीमा का पूरा कार्य बैंक से संबंधित होता है। ये जब धरने पर बैठे थे तब मैं फील्ड में था। इसकी सूचना मिलने के बाद मैं ऑफिस आया और उन्हें समझाया कि फसल बीमा का कार्य बैंकों का है, फिर वे वापस चले गए। भीनमाल को जिला बनाने की मांग को लेकर जिला बनाओ संघर्ष समिति के तत्वाधान में सोमवार को शहर के गायत्री मंदिर से विशाल मशाल जुलूस निकाला गया। इस दौरान संघर्ष समिति के लोगों ने कहा कि जब तक भीनमाल जिला नहीं बनता तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। जिला बनाने को लेकर भीनमाल में सोमवार को रात 8 बजे विशाल मशाल जुलूस का आयोजन किया गया, जिससे शहर के गणमान्य नागरिक, युवा एवं विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थियों ने भाग लिया। मशाल जुलूस गायत्री मंदिर से रवाना होकर खारी रोड, बांग चौराहा, महावीर सर्किल, LMB पहुंचा। इस दौरान सभी लोगों ने अपने हाथ में मशाल धारण कर रखी थी और भीनमाल को जिला बनाओ के नारे लगा रहे थे। मशाल जुलूस का विभिन्न जगह जगह पर स्वागत किया गया। इस दौरान भारी संख्या में शहर के गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। बड़ी सादड़ी थाना पुलिस ने थाना क्षेत्र के पारसोली गांव में हत्या के मामले का खुलासा कर आरोपी को 12 घंटे में ही गिरफ्तार कर लिया। दरअसल बेटे ने जमीन में हिस्सा करने की बात को लेकर पिता को लठ से मार मार कर घायल कर दिया था, जिसके उपचार के दौरान मौत हो गई। CI कैलाश सैनी ने बताया कि सोमवार को प्रार्थी पारसोली थाना बड़ी सादड़ी निवासी दिनेश पुत्र नारायण लाल मीणा ने बामुकाम CHC बड़ी सादड़ी पर रिपोर्ट में बताया था कि मेरे पिताजी के 5 बीघा जमीन है, जिसका मेरा भाई कन्हैया लाल हिस्सा मांगकर मेरे पिताजी को धमकी देता रहता था कि तेरे को तो लठ से मार कर ही रहूंगा। रविवार को करीब रात से 9 से 10 बजे के लगभग माताजी ने फोन कर बताया कि कन्हैया लाल ने तुम्हारे पिता नारायण लाल के सोते हुए के पीछे से आकर लठ से मारपीट कर घायल कर दिया, जिनको बड़ी सादड़ी चिकित्सालय लेकर आए, जहां पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। दिनेश मीणा की रिपोर्ट पर हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। मामले की जांच थानाधिकारी कैलाश चंद्र सोनी ने की। थानाधिकारी ने कार्रवाई करते हुए मामले में आरोपी कन्हैया लाल की तलाश करने के लिए संदिग्ध स्थानों पर दबिश दे आरोपी पारसोली थाना बड़ी सादड़ी निवासी कन्हैया लाल 30 पुत्र नारायण मीणा को डिटेन कर मामले में गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस टीम ने कैलाश चंद्र सोनी, हेड कानी दुर्गा प्रसाद, बाबूलाल कानी, प्रवीण सिंह, तेजपाल, चंद्रभान सिंह शामिल रहे। भाजपा राजस्थान नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष CP जोशी का सियासी सफर एक बूथ स्तर से कार्यकर्ता के रूप में हुई, लेकिन कहते हैं कि इस सच्चे मार्ग पर और दृढ़ता के साथ चलने वाले कार्यकर्ता को निश्चित ही सफलता मिलती है। और सफलता यहां किसी परिवार, व्यक्ति विशेष से नहीं, वरन अपने कर्मों के आधार पर कार्यकर्ता को मिलती है, जो कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। दिल्ली से निकलने के बाद प्रदेश अध्यक्ष CP जोशी राजस्थान में प्रवेश करने के साथ ही कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उल्लास रहा। प्रदेश अध्यक्ष CP जोशी जिन मार्गों से निकले, वहां भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा भव्य स्वागत किया गया। स्वागत की तैयारियां कार्यकर्ताओं ने जोश और उल्लास के साथ जगह जगह घूमकर राजस्थानी लोक नृत्य गायन, कालबेलिया नृत्य आयोजित हुए, माला साफा पहनाकर पुष्प वर्षा कर प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत किया। भव्य स्वागत की कड़ी में जगह जगह स्वागत और अभिनंदन कार्यक्रम में होते हुए प्रदेश अध्यक्ष भाजपा प्रदेश कार्यालय पहुंचकर साधु संतों की मौजूदगी में मंत्रोच्चारण और विधि विधान पूजा अर्चना के साथ पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया द्वारा पदभार ग्रहण करवाया गया। पदभार ग्रहण करने के बाद प्रदेश अध्यक्ष CP जोशी को प्रदेश कार्यालय मंच से प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया, सांसद कनकमल कटारा, राजेंद्र गहलोत, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने बधाई देते हुए सफलता के लिए शुभकामनाएं दी। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने कहा कि मुझ जैसे छोटे गांव के किसान परिवार से आए कार्यकर्ता को प्रदेश संगठन में अध्यक्ष पद पर कार्य करने का मौका दिया गया। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा का आभार व्यक्त करता हूं। इन 3.25 साल के कार्यकाल में सेवा ही संगठन में कार्य किया, साथ ही देश पर आई कोरोना जैसी महामारी को केंद्रीय योजना के अंतर्गत जीत कर बाहर आए। पेपर लीक से बेरोजगारी तक कांग्रेस सरकार के खिलाफ जनहित में कार्य किए और अंत में डॉक्टर पूनिया ने मंच पर नीचे बैठे सभी कार्यकर्ताओं को प्रणाम किया। राष्ट्रीय महामंत्री एवं प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने कहा कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया के नेतृत्व राजस्थान संगठन का विस्तार कोने कोने में हुआ।
साथ ही जन आक्रोश यात्रा के माध्यम से राजस्थान की सभी विधानसभाओं में कांग्रेस सरकार के खिलाफ सफल आंदोलन किया। सतीश पूनिया का लगातार चलना स्वभाव में रहा, उनके 3.25 वर्ष के सफलता के साथ पूरे किए, इसके लिए मैं उनका धन्यवाद अभिनंदन करता हूं। पूर्व मुख्यमंत्री एवं भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे ने वीडियो संदेश के माध्यम से नवनियुक्त सीपी जोशी को पदभार ग्रहण करने की शुभकामनाएं दी। राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने पदभार ग्रहण कार्यक्रम में आने की इच्छा जाहिर की, लेकिन अस्वस्थ होने के कारण शामिल नहीं हो सके। वहीं दूसरी ओर राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी भी कार्यक्रम में शामिल होना चाह रहे थे। फिलहाल खबरों में इतना ही, शगुफ्ता खान को दीजिए इजाजत, नमस्कार।